अयोग्य की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। नमस्कार, मैं अजीत। हिंदू मंदिरों में साईं पूजा पर सवाल खड़े करके शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने एक बार फिर हिंदू सनातन परंपराओं पर बहस तेज कर दी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शंकराचार्य की आपत्ति बेहद सशक्त है और इनका तर्कसंगत जवाब भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल उन वैदिक परंपराओं का है जो आदिकाल से हिंदू समाज का आधार रही है, जहां कभी भी किसी साधु संत की पूजा करने को गलत नहीं कहा गया, लेकिन उसके लिए सनातन धर्म की गरिमा को ताक पर रखना कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन शायद साई भक्त इन तर्कों को नजरअंदाज करने का मन बना चुके हैं। क्यों वो शंकराचार्य की आपत्तियों पर मौन है लेकिन उनके बयान पर बेहद मुखर? इन तमाम पहलुओं पर हमारी खास पेशकश शास्त्रार्थ। अयोग की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। धर्मगुरु शंकराचार्य की कुछ आपत्तियों के बाद साई समर्थकों ने जिस तरह से टकराव का रवैया अपनाया है वो कई सवालों को जन्म देता है। शंकराचार्य ने कुछ सवाल उठाए थे, कोई भी सभ्य समाज उनका उत्तर चाहेगा, जवाब चाहेगा, ना कि इस पर बवाल। ये बात तब ज्यादा अहम हो जाती है कि किसी भी तरह की असहमति के लिए भारतीय आदि संस्कृति में शास्त्रार्थ की एक लंबी परंपरा रही है कि अगर वो साई भक्त है तो साई भक्ति से ही संतुष्ट क्यों नहीं रहते। सवाल ये है कि हमको बिना साई के भी काम हमारा चल जाता है, वो साई की भक्ति से संतुष्ट नहीं है। हिंदू संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद ने साई बाबा पर कई सवाल खड़े किए, जिसका जवाब अब तक साई भक्त नहीं दे पाए, बल्कि वो देश भर में शंकराचार्य के पुतले फूंकने और केस करने में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि साईं के भक्त अपनी भक्ति की आड़ में सनातन धर्म को हानि क्यों पहुंचा रहे हैं। साईं भक्तों पर हिंदू धर्म की परंपरा को विकृत करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कई गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। सनातन धर्म की परंपरा की माने तो मंदिरों में भगवान, अवतार और देवताओं की मूर्ति स्थापना की ही मान्य है। इसके अलावा सभी एक तरह से पाखंड ही है। मंदिर में विग्रह स्थापना और इष्ट देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा इन सब का एक विधान है, पर साईं की पूजा करने वाले और उसके मंदिर बनाने वालों ने सभी मान्यताओं और परंपराओं को ताक पर रखकर सनातन धर्म को बड़ी हानि पहुंचाई है। साधु रहे साईं की मूर्तियां क्यों लगाई जा रही हैं? हिंदू धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियां छोटी होती जा रही हैं और साईं की मूर्ति बड़ी होती जा रही है। हिंदू मंदिरों में जानबूझकर जो साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की जा रही है वो कितना जायज है? क्या साईं बाबा की तुलना रामकृष्ण से करना सनातन धर्म का अपमान नहीं है? और तो और, साईं को भगवान बनाने के लिए हिंदुओं के अवतारों का ही सहारा क्यों लिया जा रहा है? साईं भक्त अपना मंदिर बनाएं, उसकी पूजा करें, ये उनका अधिकार है। पर पूर्व में मान्य मंदिरों में जबरन या प्रभाव से घुसपैठ करना सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ है और इसका विरोध करना गलत नहीं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। साईं भक्त राम के नाम के आगे भी साईं लगाते हैं। भगवान राम अकेले कल्याण करने में समर्थ हैं, तो साईं नाम की जरूरत क्यों है? आखिर क्यों वेद मंत्रों में साईं को स्थापित किए जाने के लिए हेर फेर किया जा रहा है? साईं के नाम पर हिंदू धर्म को भ्रमित और विकृत क्यों किया जा रहा है? साईं बाबा को शिव और विष्णु की तरह हिंदू देवताओं के रूप में चित्रित किया जाना क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? इससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं, सवाल और भी कई हैं। साईं को पर ब्रह्मा लिखने का अधिकार साईं भक्तों को किसने दिया?
हिंदू मंदिरों में साईं पूजा का बेबाकी से विरोध करने वाले द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद कहते हैं कि उन्हें साईं भक्तों की पूजा पर ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐसा करने वालों को हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म के प्रतीक ओम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि वो शंकराचार्य इसलिए हैं कि लोगों को धर्म की सही जानकारी दे सकें। उन्होंने अपना काम कर दिया, अब जनता तय करे कि उसे क्या करना है। लेकिन आस्था को कटघरे में खड़ा करने वाले साई भक्तों को इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए खास मेहमान हैं वाराणसी से पंडित कामेश्वर उपाध्याय, महासचिव हैं अखिल भारतीय विद्वत परिषद के, और भोपाल से हमारे साथ हैं स्वामी अमृतानंद सरस्वती, शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य हैं, और देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य विपिन जोशी, धर्माचार्य। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कामेश्वर जी, सबसे पहले ये बताइए कि शास्त्रार्थ जिसकी बात अभी उठी है, ये है क्या और आज के दौर में क्या ये उस तरीके से चला है? क्योंकि हम बहस में आगे पढ़ेंगे फिर साईं समर्थक और जो शंकराचार्य ने कहा, इन सब के बीच क्या रास्ता निकलता है, इन सब पर बड़ी बहस हो भी चुकी है इससे पहले और काफी लोग इस पर कुछ कह भी चुके हैं। हम अगर दूसरे नजरिए से इसे देखने की कोशिश करें, शास्त्रार्थ क्या है और अभी क्या इस रूप में वो चल रहा है जिस रूप में बहुत पहले पुरानी परंपराओं में था। जिसको प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं जाना जा सके जी, और उसको जानना जीवन में अनिवार्य हो, तब शास्त्र ही उस विधान को बतलाता है कि आप इस यात्रा में अदृश्य तत्व को कैसे जान सकते हैं। प्रत्यक्षेण अनुमित्याच यत्तु तत्त्वम् वेद्यते वेद्यते, वो सब कुछ वेद के द्वारा और शास्त्र के अर्थ के द्वारा जाना जाता है, इसे शास्त्रार्थ कहते हैं जी। मंथन करके विचार नवनीत को निकाल करके जो सर्वजन ग्राह्य हो और सर्व कल्याणकारी तत्व हो, उसको समाज के सामने सभ्य जन लाते हैं, इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं जी। और मनुस्मृति में लिखा है कि जहां तीन शास्त्र के ज्ञाता व्यक्ति उपस्थित हो जाएं, वो समाज कहलाता है या सभा कहलाती है। तो कम से कम वेद तत्व को जानने वाले भारतीय सनातन परंपरा में ऐसे तीन महान पुरुष होने चाहिए जिनका ज्ञान निर्विवाद हो, और उनके सामने उनको पंच के रूप में स्थापित करके और अपनी अपनी बात कही जाए, अपना अपना पक्ष रखा जाए, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। इसमें विवाद नहीं होता है, इसमें तर्क की परिणति होती है, तर्क को लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है, और शास्त्र जिसका अनुमोदन करता है जी, वही सही तथ्य माना जाता है। शंकराचार्य जी ने इस विषय को जो उठा करके रखा है कि शास्त्रार्थ द्वारा इसे सिद्ध करना चाहिए, ये अनंत काल से प्रक्रिया जारी है। ये कौन बतलाएगा कि परमात्मा का स्वरूप कौन है? वेद बतलाएगा, वेद सुनिश्चित करेगा जी। तो ये सनातन की जो प्रक्रिया है उसमें अगर आपका विश्वास है, सनातन ही बतलाता है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठित इस मंत्र से किया जाएगा तो वो देवता बन जाएगा जी। अगर उस मंत्र का प्रयोग साई की प्रतिमा में नहीं किया जा रहा है तो वो केवल पत्थर रह जाएगा जी। और साई का अर्थ क्या होता है? स्वामी शब्द का बिगड़ा हुआ देशज शब्द है साई। स्वामी का मतलब क्या होता है? कोई राष्ट्रपति भी स्वामी होता है और किसी पति का किसी पत्नी का पति भी स्वामी होता है, पत्नियां अपने पति को स्वामी कहती हैं जी। तो ये साई शब्द जो है ये अपभ्रंश है, देशज है, जो स्वामी का ये स्वरूप है, इस शब्द में ही परमात्मा का बोध नहीं है। कई सवाल और भी हैं, अलग अलग इसे समझने की कोशिश करते हैं जी, प्रयास करते हैं इसे समझने की समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ स्वामी अमृतानंद सरस्वती भी हैं, शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य हैं। स्वामी जी, आपको क्या लगता है शास्त्रार्थ की जो परंपरा है वो अभी किस रूप में है और क्या हम अभी कर पाते हैं शास्त्रार्थ? इससे पहले जैसे अभी ये मुद्दा उठाया शंकराचार्य जी ने, क्या इससे पहले शास्त्रार्थ कब हुआ, कैसे हुआ और उसमें क्या निकल कर आया, उसकी परिणति क्या हुई, क्या इन सब बारे में कोई जानकारी दर्शक पा सकेंगे आपसे स्वामी जी?
जी स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शास्त्रार्थ आज के समय में कितना समीचीन है, कितना अभी भी शास्त्रार्थ होता है? अभी जिस तरह से शास्त्रार्थ के लिए प्रेरित किया है शंकराचार्य ने, और कहा है कि साई भक्तों को, उनके समर्थकों को शास्त्रार्थ करके अपनी बात को सिद्ध करना चाहिए, साबित करना चाहिए, तो ये शास्त्रार्थ की जो प्राचीन परंपरा है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, वो अभी कितनी जीवंत है, और इससे पहले शास्त्रार्थ किन विषयों पर कैसे हुआ और उससे क्या निष्कर्ष निकले, क्या इसके बारे में आम लोग कुछ जान पाएंगे आपके माध्यम से? जरूर भैया जी, आप अच्छे सवाल पूछ लिया जी। इसमें शास्त्रार्थ से ही एक विषय का निर्णय अच्छा हो जाते हैं। जब ही भगवान शंकराचार्य जी मंडन मिश्र को जी अद्वैत का बोधन करने के लिए शास्त्रार्थ प्रक्रिया भी अपना लिया था जी, वैसा बहुत विषयों में आज तक शास्त्रार्थ परंपरा से ही एक एक विषय प्रामाणिक निश्चित हो रहा है। अभी भी जो लोक में जो विज्ञान है, वैद्य विज्ञान अथवा अनेक अनेक विज्ञानों में शास्त्रार्थ आज भी हो रहा है। शास्त्रार्थ भाषा अलग अलग हो सकते हैं, संस्कृत भी भाषा में हो सकते हैं अथवा दूसरा भाषा में भी हो सकते हैं। एक विषय को न्यायपूर्वक पूर्व पक्ष उत्तर पक्षों का निश्चित रूप से प्रमाणों से बात करके एक निश्चित अर्थ का निर्णय लेना ही शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ होता है जी। प्रकृति में जी जितना प्रश्न आप उठा रहे हैं जी जी, इन सब लोगों का प्रमाण से ही समाधान देना ही चाहिए जी। वो प्रमाण से समाधान देने के हमारा शंकराचार्य जी तैयार है जी। कोई एक आदमी साई पक्ष से ऐसे विद्वान आ गया तो इनका सुस्वागत है जी, इनका हमेशा स्वागत है जी। आचार्य विपिन जोशी, आप लोगों से एक छोटी छोटी सी प्रार्थना है, ये बात सुनिए जी, बताएं। आप जब भी शंकराचार्य जी का नाम लेते हैं जी, तब नाम लेके एक वचन से बोलना नहीं चाहिए जी। आप शंकराचार्य जी अथवा स्वरूपानंद सरस्वती जी ऐसा बोलना चाहिए जी, इसके बाद आप जो बोलते हैं उनका समाधान देने के हम तैयार हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे आगे भी हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आचार्य विपिन जोशी जी, अभी जो बातें उठी, जिस तरीके से, जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, पंडित कामेश्वर उपाध्याय जी ने जो कहा कि इसमें दो तीन पक्ष होते हैं और उन पक्षों के मायने क्या है, उनके पैरामीटर्स क्या है, वो भी उन्होंने रखे हैं कि किस स्तर के लोग होने चाहिए शास्त्रार्थ के लिए। क्या आपको लगता है कि साई समर्थकों में भी उस स्तर के शास्त्रार्थ करने के लायक लोग हैं या फिर नहीं है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है जो इसका आध्यात्मिक पक्ष है, आदरणीय कामेश्वर जी ने और स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से रख दिया है जी। और अगर इसको आज के लौकिक हिसाब से हम देखें, साई भक्तों में भी एक से एक अच्छे बौद्धिक लोग हैं, बहुत जो लोग समाज में बहुत ऊंचे तबके के लोग हैं, तो वो लोग अपना एक पैनल बनाए और आध्यात्मिक जगत से, सनातन हिंदू धर्म से हमारे शंकराचार्य जी और दूसरे शंकराचार्य जी जिनको आदेश करें, दो चार लोगों का एक पैनल इधर से हो, और आज तो सबसे बढ़िया माध्यम है मीडिया के माध्यम से उसका सीधा लाइव टेलीकास्ट हो, सारी देश और दुनिया उसको देखे, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रखें, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है आज के युग में शास्त्रार्थ का जी। आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि जो धार्मिक व्याख्याएं हैं, पंडित कामेश्वर उपाध्याय जी या फिर स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी ने भी अपनी बातें रखी, अपनी भावनाएं रखी, लेकिन जिस तरीके से हम वैदिक धर्म को अभी परिभाषित करते हैं, उसे जिस तरीके से आम लोगों के बीच में रखते हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ उनके लिए दुरूह होता है, ये दिक्कत होती है उन्हें समझने में, परेशानी होती है, क्या ऐसी बातें हैं लोग आम बोलचाल की भाषा में उस तरह के पर्व त्यौहार, वैसे गुरु, वैसी पूजा को अपनाना ज्यादा बेहतर समझते हैं, जो अभी लौकिक स्थिति है, अभी इस लोक की जो स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है, इसके मद्देनजर क्या आपको लगता है ऐसा आचार्य जी, आचार्य विपिन जोशी?
देखिए ऐसा है, लोक व्यवहार में तो आज जैसा कि अभी दिन में आप चर्चा कर रहे थे, जो ब्रांडिंग की जा रही है, जो तामझाम करके लोगों को आकर्षित किया जाता है, चाहे इस प्रकरण में हो या अन्य भी कई ऐसे प्रकरण होते हैं, क्योंकि आज समाज में जो बाजारवाद और उपभोक्तावाद का जो बोलबाला है, जैसे उन चीजों को ब्रांडिंग की जाती है, तो उसी तरीके से अध्यात्म को भी कई जगह ब्रांडिंग की जा रही है, और उसी का जो दुष्परिणाम है, उससे जो पारंपरिक हमारी जो परंपराएं हैं, कई बार उनके लिए चुनौती खड़ी हो जाती है, और कहीं पर वो जो है लौकिक रूप से वो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा बोनी है, लेकिन इनका इतना ऊंचा स्तर है, इन 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 परंपराओं में इतनी ज्यादा जीवन जीने की पद्धति है, और उसके अलावा जिसके कारण हमें विश्वगुरु कहा जाता है, तो इसमें जैसा आपका मूल प्रश्न था कि इसको थोड़ा और व्यवहारिक और सहज और सरल ढंग से अगर इसको परिभाषित किया जाए, हम यही कहना चाह रहे थे। इस बात पर हम फिर आएंगे और पंडित कामेश्वर उपाध्याय जी से और स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हम हिंदू धर्मावलंबियों की ही कहीं, सनातन धर्मावलंबियों की ही कहीं कोई चूक है जिससे कि इस तरह की ब्रांडिंग करने का मौका किसी को मिल गया और उसका परिणाम सामने है कि टकराव की स्थितियां आ रही हैं। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं शास्त्रार्थ इस खास पेशकश में कि जिस तरीके से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो शास्त्रार्थ के लिए एक तरह से आमंत्रित किया साई भक्तों को या फिर साई समर्थकों को, आखिर इसमें वो आगे क्यों नहीं आ रहे, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, जबकि इस पर टकराव की स्थिति लगातार बनती दिख रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में दरअसल खुद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का क्या कहना है। शंकराचार्य जी ने जी संगम से खास मुलाकात में सारे मसले पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। महाराज जी, जिस तरह से आपके बयान के बाद साईं भक्त सड़कों पर आ रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपकी वैचारिक लड़ाई है, आप किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे, फिर से भक्तों को मौका मिल गया है जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़कर भी एक बार फिर से ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने महाराज की। ऐसा है कि ये कहा है असत, अचेतन और अयोग्य की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। तो जो साईं है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कोई ऐसा देवता नहीं है। यहाँ जो महात्मा होते हैं वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं होते। मुसलमान लोग उसको मानते नहीं है, केवल हिंदू भ्रमित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कैसे हो सकता है। सही प्रमोट कर रहा है, तो आपको लगता है कि जो साई की जो ब्रांडिंग की गई सुनियोजित तरीके से, एक ढंग से प्लानिंग करके ब्रांडिंग की गई, तो ये असल में जानबूझकर की गई है। हम अपने भगवान के आराधना से ही एक है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वामी जी, साई भक्तों की संख्या लगातार पिछले कई सालों से ज्यादा, एक जो ग्लैमरस भगवान की हम संख्या दे सकते हैं वो हो गए थे, जो बड़ा तबका था वो भी बहुत ज्यादा जा रहा था। उसमें ये है कि साई भक्ति से ही संतुष्ट क्यों नहीं रहते। सवाल ये है कि हमको बिना साई के भी काम हमारा चल जाता है, वो साई की भक्ति से संतुष्ट नहीं है। कैमरामैन गौरव के साथ अनुज शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। आपको इस बारे में बताएं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सनातन धर्म के मसले पर बहस छिड़ी हो। जब से सनातन धर्म है तब से सैकड़ों बार सनातन धर्म पर शास्त्रार्थ हुआ है। जानकार ये कहते हैं कि सनातन धर्म ही दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसे ना तो कभी स्थापित किया गया, ना ही इसके विचारों को कभी किताबों में समेटने की कोशिश की, बल्कि एक ऐसा धर्म है जो अन्य धर्मों के लिए भी उदार रहा है, अपनी परंपराएं तोड़ी हैं और कई नई परंपराओं को जोड़ा है। सनातन धर्म के मानने वालों ने कभी भी इस धर्म की परंपराओं पर दूसरों पर इसे थोपने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी इसके प्रचार प्रसार में लगे, लेकिन जब भी इनकी परंपराओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, सनातन धर्म के जानकारों ने इस पर बहस छेड़ी है। साईं बाबा और शंकराचार्य से जुड़ा हालिया बहस का ही हिस्सा है
शास्त्रार्थ तो होना ही चाहिए। खुद आदि गुरु शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया था। वेदों को लेकर जब मतभेद हुए तो ना सिर्फ शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया बल्कि जीत हासिल कर उन मतभेदों को दूर भी किया। लिहाजा एक बार फिर ऐसी बहस की जरूरत है, लेकिन जिस तरह साई भक्तों की तरफ से उग्र विरोध किया जा रहा है वैसे नहीं बल्कि तर्कसंगत तरीके से। एक बात और है जिसे जानना जरूरी है कि ना तो शंकराचार्य ये कह रहे हैं और ना ही सनातन धर्म ये कहता है कि आप अपनी आस्था में बदलाव लाएं, लेकिन जो सनातन धर्म की परंपरा है उसे चोट पहुंचाने का अधिकार आपको है या नहीं इस पर पहले बहस तो कर लीजिए। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पंडित कामेश्वर उपाध्याय हैं हमारे साथ और साथ ही स्वामी अमृतानंद सरस्वती और आचार्य विपिन जोशी भी हैं। उपाध्याय जी, अगर हम इस बात को इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि एक वक्त था, एक समय था जब रामायण की सोच, उसकी छाप लोगों में धुंधली पड़ती जा रही थी, तो फिर रामचरितमानस आया, तुलसीदास आए इसे लेकर, और लोगों में फिर से पुनर्स्थापना हुई उन चीजों की, और इसलिए कि काफी अंतर था रामायण में और रामचरितमानस में। मूल चीजें वही थी, भावनाएं वही थी, लेकिन उनका संप्रेषण अलग था। तो क्या इस तरह की जरूरत है, वक्त ऐसा है कि हिंदू धर्मावलंबियों को भी, सनातन धर्मावलंबियों में भी कुछ इस तरह की चीजें आएं जो आम लोगों को लौकिक चीजों से जोड़कर, उन्हें उन प्रतीकों के साथ जोड़कर उन्हें रखें ताकि लोग एकजुट रहें? क्योंकि अभी जो स्थिति हो रही है कि आप सभी कह रहे हैं कि हमारे ही वो लोग हैं जो साईं पूजा में लगे हुए हैं, और वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और उग्रता भी दिखा रहे हैं और ये कतई नहीं मान रहे हैं जो कुछ भी आपकी तरफ से या फिर शंकराचार्य जी की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या सनातन धर्मावलंबियों को भी कुछ और आसान तरीका अपनाना होगा, कुछ आसान पैठ बनानी होगी लोगों के बीच, इसके लिए किसी नई अवधारणा की, नई पहल की भी जरूरत है? देखें, तरीका तो सनातन धर्म ने जो अपनाया है वही लगभग विश्व में फैल रहा है जी। क्रिश्चियनिटी ने भी सनातन के तरीकों को लिया और वहां पर जो आरंभ के दिन में ट्रिनिटी में स्त्री का प्रवेश नहीं था, मरियम की वहां पर पूजा शुरू हुई जी, और अन्यत्र भी इसी का नकल किया जाता है। जो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है उदारवाद, निज प्रभु मैं देखाऊं जगत कासन करूं विरोध, मैं प्रत्येक व्यक्ति में अपने ईश्वर का दर्शन करता हूं कि मेरा ही भगवान सभी के हृदय में बैठा है, इस कारण से हम किसी से संघर्ष नहीं करते। ये जो हमारी सर्वश्रेष्ठ सनातन की विशेषता है उसी का दुरुपयोग करके लोग सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं जी। ध्यान देने से पता चलता है कि जो एक नया पंथ पैदा होता है उसके पिता तो सनातन ही रहे हैं, लेकिन उसने एक नया पंथ पैदा कर दिया जी, और उसके बाद उसके अनुयायियों ने सनातन का विरोध शुरू कर दिया। चाहे आज जो भी संगठन हो वो सनातन के परिवार से एक बच्चा उठाता है और अपने संगठन में उसको दीक्षित करके और सनातन के विरोध में खड़ा कर देता है जी, और सनातन वहां कुछ नहीं कर पाता है। इस दिशा में आपने जो प्रश्न उठाया है इतना श्रेष्ठ प्रश्न है कि चारों शंकराचार्यों को मिलकर के 15,000-20,000 करोड़ की एक प्रतिभूति न्यास का संकलन करके और सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, सर्वत्र इसके पुरोहित जाने चाहिए, वेद मंत्रों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रतिमाएं गांधी की भी लगती हैं सड़कों पर, प्रतिमाएं अम्बेडकर जी की भी लगती हैं सड़कों पर, गांवों में, गलियों में, चौराहों पर, प्रतिमाएं विवेकानंद जी की भी लगती हैं, उससे सनातन समाज उद्वेलित नहीं होता है। एक वर्ष में या जब जिसकी जयंती पड़ती है जाकर के उसको प्रणाम भी कर लेता है, लेकिन जो अजन्मा देवता है, जो शिव है, दुर्गा है, या इस तरह की 10 महाविद्याएं हैं जिनका किसी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है, या महामृत्युंजय मंदिर है उसमें चोरी छिपे से अतिक्रमण करते हुए विस्तारवादी नीति को चीन की तरह लागू करते हुए जो साईं की प्रतिमा को हिंदू मंदिरों में घुसाया जा रहा है, ये वस्तुतः देवता का उल्लंघन किया जा रहा है, ये प्रज्ञापराध है और बहुत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। ये लोक भाषा में मैं इस बात को कहना चाहता हूं जी। चलिए, स्वामी अमृतानंद सरस्वती, विस्तारवादी नीति है चीन की तरह,
जी चलिए, ये उदारवादी संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति, और इस संस्कृति में जिस तरह की घुसपैठ की बातें अभी हो रही हैं, की जा रही हैं कि ये घुसपैठ है, अभी कामेश्वर जी ने भी ये कहा है, इसे हम किस रूप में देखें? क्योंकि आलोचक ये कहते हैं या साईं समर्थक ये कहते हैं कि जो उदारवाद है, अगर सनातन धर्मावलंबियों में जो उदारवाद होना चाहिए, जो है, फिर उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि साईं की पूजा को अलग कर दो या फिर हमारे मंदिरों में उनका प्रवेश क्यों हो रहा है। इससे विरोधाभासी स्थिति आ रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लोगों के सामने रखना चाहेंगे? अमृतानंद सरस्वती जी। नारायण जी, हमारा बात ये सुनिए भैया। जी जी, ये अभी शास्त्रार्थ का विचार में जी, आम आदमियों का समझने के लिए ये सुलभ हो सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। हम एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। कभी भी वैज्ञानिक विषय में आज भी बहुत बहिष्कार करने का बात होते हैं। कोई एक आदमी मर जाते हैं, मर गया तो ये मरना नेचुरल है अथवा कोई मरा दिया, इस विचार में बड़े बड़े वैद्य लोग बैठकर विचार करते हैं। वो विचार में उन लोगों का, वैद्य लोगों का जो जो पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट सब आम आदमी समझ सकते क्या? लेकिन वो निर्णय मान जाते हैं। ऐसा कोई घर पूरा पूरा तैयार होने के बाद तुरंत गिर गया तो इस इंजीनियर के ऊपर दोष हो जाएगा, वो इंजीनियर बताएगा जी बहुत बहुत ऐसा हो गया, इसमें हमारा दोष नहीं है। यदि ऐसा बना दिया तो तब वो आम आदमी समझ सकते क्या? वो जब तक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ सकते हैं। ऐसा हमारा आध्यात्मिक शास्त्रों में जब तक इनका तरो नानजी नहीं है, जी जी, इनका थियरी पूरा नहीं है, प्रैक्टिकल पूरा नहीं है, तब तक ये बात आम आदमी एक एक अनु अनु समझना। बिल्कुल, बहुत सही तर्क दिया है आपने स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, आप बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, और जो सवाल हमारा इससे पहले उपाध्याय जी से था उस पर आपने ये जवाब दिया है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो जिस तरीके से वैज्ञानिक समीकरणों को हल करते हैं वो क्या आम आदमी समझ पाता है, लेकिन उसे वो उस पर वो चीजें लागू होती हैं और उसका फायदा भी उसे मिलता है। और इसी तरीके से आप इस धार्मिक चीजों को भी देख रहे हैं, आंक रहे हैं। सर, और अयोध्या की पूजा हमारे यहाँ नहीं है। तो सनातन धर्म को क्या ठेस पहुंच रही है साईं भक्तों से, साईं पूजा से, साईं मूर्ति की स्थापना से मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में, जिस पर इस वक्त टकराव जैसा माहौल है, और इस पर हम कर रहे हैं चर्चा इस खास पेशकश में शास्त्रार्थ के जरिए। हमारे साथ खास मेहमान है वाराणसी से पंडित कामेश्वर उपाध्याय, महासचिव हैं अखिल भारतीय विद्वत परिषद के, और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी अमृतानंद सरस्वती, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, और देहरादून से हमारे साथ हैं आचार्य विपिन जोशी, धर्माचार्य हैं। स्वामी अमृतानंद सरस्वती, आप जो इसे पहले बता रहे थे ब्रेक से पहले, बड़ी दिलचस्प बात बता रहे थे। हमने ये पूछा था कि हम अपनी अवस्थापनाओं को, हम अपनी धारणाओं को क्यों न बेहद आसान बनाकर, लचीला बनाकर, आम लोगों के समझने योग्य बनाकर उनके पास जाएं। क्या इसमें कमी रह गई है जिसके कारण साईं का अवतार इस तरीके से, जो आप लोगों का कहना है कि हमारे ही लोगों के बीच में एक बड़ा विस्तार ले चुका है? हमारा जो प्रश्न था वो उस संदर्भ में था, शास्त्रार्थ को आम लोगों तक पहुंचाने के संदर्भ में नहीं था कि शास्त्रार्थ इस तरह का हो जिसकी बातें आम लोग बिल्कुल समझ सकें, शास्त्रार्थ हो और उसकी जो परिणति होती है, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो आम लोगों के लिए लाभकारी ही होगा, ये जानी हुई बात है, जिसे आपने वैज्ञानिकों से उनसे तुलना में आपने बात रखी है। अमृतानंद सरस्वती जी, ये आपसे जानना चाहेंगे जी, जी के जो सवाल था कामेश्वर जी से के क्या हमें अपनी अवस्थापनाओं को, अपनी धारणाओं को, मान्यताओं को बेहद लचीला और आसान बनाए रखना चाहिए, इसमें कहीं कमी रह गई है जिसके कारण ये स्थिति आ गई है? अभी हम बोल रहे हैं जी जी, हमारा
धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि निर्णय किया तो जो देवताओं का पूजा करना चाहिए उनका ही पूजा करना चाहिए। अभी आप ये समझ लीजिए, पुण्य क्या है, पाप क्या है, किससे हमारा कल्याण हो सकते हैं, किससे हमारा दुख हो जाएगा, क्या धर्म है क्या अधर्म है, कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, ये सब समझने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान चाहिए। एक विज्ञान में अनेक टेक्निकल वेड्स होते हैं, उन टेक्निकल वेड्स को आम आदमी को समझाने के लिए पहले इन लोगों का स्कूल पढ़ाई चाहते हैं। जब आध्यात्मिक स्कूल में पढ़ेंगे तब भी वो टेक्निकल वेड्स समझेंगे, जब तक मैक्स में वही इज्जत नहीं समझेंगे तब तक इनको आप आम आदमी को आप समझाइए, आप मैक्स समझाइए, ये कैसा संभव हो सकते हैं। तब जो आध्यात्मिक में शिक्षित है, जो आध्यात्मिक में अच्छा साधन किया है, उन लोगों का ही ये बात समझाएगा। आज शंकराचार्य जी का कहन का ये तात्पर्य है, जो पूरा जगत गुरु है, जगत पूरा रांग रूट में जाया गया तो उन लोगों का स्लो पॉइजन हो जाते हैं। जी जी, क्यों नहीं, जी जी बिल्कुल, आप फिर उसी बात को कह रहे हैं स्वामी जी। हम इतना जानना चाहते हैं कि हम अपनी मान्यताओं को और आसान नहीं बना सकते, ताकि जो घुसपैठ की बातें की जा रही हैं कि अभी साईं भक्तों का घुसपैठ हो गया या साईं मूर्ति का उसकी घुसपैठ हो गई, तथाकथित तौर पर जो कहा जा रहा है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे बचा जा सकता था। अभी ऐसा है, जब शास्त्र में नहीं है साईं बाबा जी, तब इनका बाबा का भगवान मानने के क्या प्रमाण है? बिना प्रमाण के एक काम किया तो वो शिक्षित हो जाएगा, दंडित हो जाएगा, वो हमारा मनमानी से नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी आज मनमानी से आत्महत्या करने के तैयार है तो इन लोगों को सरकार रोकते हैं, इन लोगों के ऊपर दंड लगाते हैं। अरे हमारा मनमानी हमारा शरीर में हमारा स्वतंत्र नहीं क्या? क्यों हमारा आत्मा का त्याग करने के, हमारा आत्महत्या करने के आपका क्या कष्ट है? ऐसा बोल दिया तो सरकार हमको पिता के समान हितकारी है, ऐसा जगत गुरु हमको हितकारी होकर इनको पूजा मत करो, पूजा करने से आपका स्लो पॉइजन हो जाएगा, बाद में पूरा पूरा संतति ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा मत करो, राम जी का पूजा करो, कृष्ण जी का पूजा करो, भगवती का पूजा करो, ये उपदेश दे रहे हैं। जी जी, जो जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये बेहद उदारवादी है, ये हमेशा से कहा जाता रहा है, आज भी ये मान्यता है, और इस तरह की कई परंपराएं, कई लोकोक्तियां रही हैं जो इस बात को स्थापित करती हैं। फिर ऐसे में जहां 33 करोड़ देवी देवता हों, वहां पर उनकी उपस्थिति से इतनी वर्जना क्यों, इतनी दूरी क्यों साईं की उपस्थिति से? स्वामी अमृतानंद, साईं क्या मुर्दा है? साई मुर्दा है अथवा साई कोई सच्चिदानंद स्वरूप है? साई मुर्दा जब हो गए तब कोई मुर्दा का पूजा करके कल्याण वो कमा सकते क्या? ये कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सच्चिदानंद भगवान को लेना चाहिए। एक सूत्र आपको बता दिया, जो अचेतन अचेतन असत्य अयोग्य जो होते हैं वो अनुपास्य है। क्यों? अफलत विपर्ययत्वाभ्याम, ये शंकरचर सूत्र है जी। इसमें फल नहीं मिलेगा, विपरीत फल ही मिल जाएगा। इसलिए लोक को कल्याणकारी मार्ग उपदेश देने वाले शंकराचार्य जी इसका उद्घोषण कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। आपका दूसरा, आप बिना पूछ के एक काम, एक बात हम बता रहे हैं, शास्त्रार्थ का परंपरा ऐसा न होते हैं। शास्त्रार्थ का परंपरा में जो जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, इन लोगों का स्वतंत्र से बात करने के छोड़ना चाहिए। दो बात करके आप छोड़ दीजिए, हमको ऐड का काम हो रहा, लाइट टाइम हो रहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जी जी, वो लोग प्रतिभा को उदित होकर स्वतंत्र से निरंकुश बात करते रहे,
इसमें आप वीडियो लेके जो जो बात आप आम आदमी को समझाना सकते हैं वो समझाना चाहिए जी, बिल्कुल हम यही करना चाह रहे हैं स्वामी जी, और इसीलिए आप तमाम विद्वान हमारे साथ हैं। गंगा धारा के समान आना चाहिए जी, बिल्कुल इसीलिए आप तमाम विद्वान हमारे साथ हैं, और आप सबका मंतव्य हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए उतना ही जरूरी है, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वो आपकी बातें समझ पाए, आपकी बात उन तक पहुंचे, यही कोशिश भी है हमारी। आचार्य विपिन जोशी जी, आप कितने सहमत हैं इस बात से जो स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी ने कहा है? मेरा सवाल यही है कि ये प्रश्न उठाया जाता है कि जब सनातन धर्म इतना उदार है फिर इसमें साईं के लिए जगह क्यों नहीं? देखिए अजीत जी, ये जो पूरी चर्चा है और इसके बाद जो चीज मैं समझ पाया हूं, मैं एक चीज तो ये कहना चाहूंगा, मैं विगत कई सालों से इस बार पे चिंतन कर रहा हूं जी। एक तो सनातन धर्म में एक तंत्र की जरूरत है, एक फोरम की जरूरत है, जो हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य और दूसरे जितने भी हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं उनके संरक्षण में एक बहुत बड़े फोरम की जरूरत है, जिस फोरम पर जब भी कोई इस प्रकार की बातें हैं और सनातन धर्म को कैसे पुष्ट किया जाए, और जो इस तरीके से, चूंकि ये अभी साईं विवाद है उसके अलावा और भी कई बातें बीच बीच में हो जाती हैं जिससे हमारी परंपरा पे और इस पे प्रहार होता है, तो यहां पे सबसे पहले तो एक तंत्र की जरूरत है, एक ऐसे फोरम की जरूरत है जिसमें सबकी उपस्थिति हो। मैंने देखा क्या हमारे वहां होता क्या है कि व्यक्तिवादी व्यक्ति पे केंद्रित हो जाते हैं संगठन, या सत्ता केंद्रित हो जाती है, लेकिन जो परंपराएं हैं और जो समस्याएं हैं वो जस की तस रह जाती है। तो सबसे पहले तो एक सर्वमान्य एक ऐसा फोरम जिसमें हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य हों और दूसरे विद्वान लोग हों, और अभी अभी इसकी चर्चा पंडित जी ने भी की, पंडित कामेश्वर उपाध्याय जी ने भी इस तरह की बातें कही थी जब हमने सवाल किया था। पंडित जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें बार बार आ जाती हैं जिन पर विवाद होता है? एक इसमें उदाहरण है संतोषी माता के व्रत का, उनकी पूजा का भी। एक फिल्म आई थी संतोषी माता पर, और उसके बाद एकाएक से बहुत ज्यादा लोगों में संतोषी माता का व्रत रखना शुरू कर दिया था, और इस पर भी शंकराचार्य जी ने कुछ कहा, इस तरह की टिप्पणी की थी, उसको लेकर कम विवाद है। तो क्या और भी कई इस तरह की चीजें हैं जिन पर विवाद होता है लेकिन वो बहुत कम होकर रह जाता है, और साईं विवाद क्या इतना ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि साईं की ब्रांडिंग हुई हुई है और इनका जो ट्रस्ट है वो आर्थिक तौर पर कहें, जो पूंजी है इस ट्रस्ट के पास, उसमें जो धर्मार्थ ट्रस्ट है उसमें ये तीसरे नंबर पर आता है अपने देश में, और इतनी पूंजी है इसके पास, इतना धन है इसके पास, क्या इस कारण से इस पर विवाद ज्यादा हो रहा है और जो विवाद के विषय होते हैं वो कहीं दब के रह जाते हैं? कामेश्वर जी, सुनिश्चित तौर से एक बात तो मैं कहना चाहूंगा जो पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज ने उठाई कि क्वांटम फिजिक्स की बात सब लोग नहीं जान सकेंगे और ये जो मेडिकल साइंसेज की बात नहीं जान सकेंगे, लेकिन जब दो पक्षों में विवाद खड़ा होता है तो ये विवाद किसी सक्षम प्राधिकरण न्यायाधिकरण के पास जाता है जी। वैसी स्थिति में अगर कल गए यह विवाद अपने चरम तक पहुंचता है तो निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी यह विवाद जा सकता है, तो वहां अंग्रेजी भाषा में भी तथ्यों को समझाने वाले वकील प्राप्त होंगे। विषय की प्रधानता होती है, भाषा की प्रधानता नहीं होती है। सनातन हमेशा गूढ़ विषय को, जो अनंत काल तक चलने वाला है, निर्विकार है, उस विषय को रखता है, चाहे वो प्राकृत भाषा हो, पाली भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, वहां भाषा समस्या नहीं है। समस्या यह है कि इस तरह से हमको किनारे करके हमारे समाज के भीतर लोग सेंधमारी कर रहे हैं, कैसे उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसमें केवल साई ट्रस्ट नहीं है, मैं आचार्य विपिन जी से संपूर्णतः सहमत हूं कि जो आरंभ में वातावरण बना था आदि शंकर के समय में, कि उन्होंने संपूर्ण दिशाओं में भारतवर्ष की रक्षा करने का एक सक्षम तंत्र खड़ा किया, आज वह तंत्र कहीं न कहीं से लुढ़क गया है। शाक्त अलग हो गया है, गणेश को मानने वाला अलग हो गया है, हनुमान को मानने अलग हो गया है, उसका लाभ पूर्व दिशा में कोई और उठा रहा है, धर्मांतरण इतना तेजी से चल रहा है, इसके ऊपर एक सक्षम, ये बहुत हमारा बहुत वाजिब सवाल है, इस पर हमारी इस बहस में कई बार इस दिशा में हम लोग गए हैं, तो इस पर हम जवाब चाहेंगे स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी से, वो बताएंगे कि ऐसी स्थिति क्यों आई है और इसका समाधान क्या हो सकता है। और
अयोग्य की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। साई विवाद पर हम कर रहे हैं चर्चा। शास्त्रार्थ के तहत हमारे साथ खास मेहमान हैं पंडित कामेश्वर उपाध्याय, हमारे साथ हैं स्वामी अमृतानंद सरस्वती और आचार्य विपिन जोशी। स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने आमंत्रित किया शास्त्रार्थ के लिए साई भक्तों को, साई ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों को, लेकिन इस तरह की पहल अभी तक उधर से हुई नहीं है, बल्कि बात की जगह विवाद ज्यादा हुआ है, बवाल ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको इस पूरे मामले का हल, इसका निराकरण किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, कैसे होगा निराकरण इस मसले का? हम ये बोल रहे हैं जी, पहले पहले पंडित शंकरा कामेश्वरा जी का एक छोटी सी बात बोलते हैं जी। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में यदि ये मामला गया तो तब संस्कृत में होना संभव नहीं है, पंडित जी बोल रहे हैं, वो वास्तव है। हमारा भाषा में कुछ आग्रह नहीं है लेकिन विषय के पर आग्रह निश्चित जरूर है। आंग्लेयों का सरकार में बहुत बहुत विद्वान सुप्रीम कोर्ट जाके ही वाद विवाद करके धर्म स्थापना कर दिया, ये कामेश्वरनाथ जी भी अच्छी से जानते हैं, वो याद रखना चाहिए। आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, यदि हम रसगंगाधर अथवा न्याय गादाधरी अथवा अद्वैत सिद्धि इत्यादि ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद आज भी देख रहे हैं, इंग्लिश में अनुवाद देख रहे हैं, लेकिन इसमें अविद्यावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर, मायावच्छिन्न चैतन्य जीव ऐसा हिंदी में लिखे तो क्या तात्पर्य आम आदमी समझ जाएंगे क्या? जब तक हमारा शास्त्रों का संस्कार नहीं है जी, जी। तब तक ये संभव नहीं है जी। इसके बाद हम ये प्रश्न का बात हो गया जी, ये बंद हो गया भैया जी, जी बंद हो गया। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, आपकी बात हम सुन रहे हैं। स्वामी जी, आखिर इस मसले का हल कैसे होगा? जी आचार्य विपिन जी, आचार्य विपिन जोशी, आपको इस मसले का हल कैसे निकलता हुआ दिख रहा है? आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज अभी किसी कारण से रुक गई है। पंडित कामेश्वर उपाध्याय जी, आपको हल इस पूरे मसले का किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? न कुछ नहीं, अभी तो बोल रहे थे स्वामी। अरे थोड़ा बात पूरी करने जाओ तो, जिस तरीके से शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने साई भक्तों को, साई ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों को, लेकिन इस पर किसी तरह की पहल अब तक नहीं हुई है, बल्कि विरोध जरूर हुआ है और विरोध में उग्रता भी आई है, और इसीलिए शास्त्रार्थ की बातें हो रही है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने साफ तौर पर यह कहा कि शास्त्रार्थ हो और ये कोई पहलवानी का अखाड़ा नहीं है, यहां विचार से, तर्क से अपनी बात को स्थापित करें। साई भक्तों के लिए, साई ट्रस्ट के लिए यह आमंत्रण शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की तरफ से। और इससे इसका हल निकालने की एक कोशिश, एक प्रयास, लेकिन ये प्रयास अभी सफल हुआ नहीं है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, केस हुए हैं। अब इसका हल किस दिशा में होगा, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा, और पंडित कामेश्वर उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी अमृतानंद सरस्वती और आचार्य विपिन जोशी। पंडित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी, जी, आ रही है। ये इस समस्या का, ये जो विवाद है, इसका हल आपको कैसे निकलता हुआ दिख रहा है? बहुत कम समय है हमारे पास जी। साई ट्रस्ट को और साई के भक्तों को एक ध्यान रखना पड़ेगा कि सनातन धर्म की परंपराओं को और सनातन धर्म के लोगों को ठेस न पहुंचे, यही इसका सर्वमान्य हल है। यदि वो हमारी मूर्तियों को, प्रतिमाओं को न्यून दिखाएंगे और साई को ज्यादा श्रेष्ठ दिखाएंगे तो हमारे अंदर भी प्रतिक्रिया होगी,
और चूंकि प्रतिमा पूजा की जो विधि है वो सनातनियों की विधि है, वो अन्य आर्य समाजियों या साई ट्रस्ट वालों की नहीं है, उस विधि को विश्व ने एडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है जहां जहां किया है, इसलिए हमारे देवी देवताओं की वो उपेक्षा न करें और साई के चरणों में मूर्तियों को न रखें, साई को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की चेष्टा न करें, एक सामंजस्य स्थापित करके चलें, क्योंकि हनुमान भक्त भी साई मंदिर में जा सकता है और साई भक्त भी दुर्गा मंदिर में जा सकता है। इस चीज को वैसे ही देखें जैसे जैन समाज अग्रवाल समाज में विवाह करता है, अन्य धर्म का होकर के भी वो एक रिश्तेदारी का संबंध निर्वाह करता है, उसी तरह से संबंध निर्वाह कर सकते हैं समतुल्यता के आधार पर और श्रद्धा के आधार पर, वो हमें ठेस न पहुंचाए, हम उनको ठेस नहीं पहुंचाए। स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी, आपको भी लगता है कि इसी तरह से इसका हल निकलेगा, इस विवाद का? हाँ, जरूर हो जाएगा जब प्रामाणिक शंकराचार्य जीओं का वाक्य अच्छी से मान जाएगा, तब इसी क्षण में ये विवाद अंत हो जाएगा। जब तक प्रामाणिक नहीं मानते हैं, बेटा यदि मान नहीं लिया तो पिता माता छोड़ेंगे नहीं, वैसा ही जगत पिता के समान जगत गुरु शंकराचार्य जी जब तक मानेंगे नहीं है तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उन लोगों का अच्छी रास्ता दिखाना ही इनका काम है। आचार्य जी, आचार्य विपिन जोशी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है अब इसको रोल बैक होना चाहिए, इस विवाद का अंत होना चाहिए और इसमें साई ट्रस्ट को पहल करनी चाहिए, उन्हें जो लाखों लाख उनके अनुयायी हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भक्त होता है वो बेचारा पिसता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसको अब रोल बैक करके और एक कोई गाइडलाइन बने शंकराचार्य और दूसरे जो हमारे विद्वान लोग हैं उनके मार्गदर्शन में और ट्रस्ट के लोग भी बैठे और इसका कोई सम्मानजनक जिसमें दोनों पक्षों की भावनाएं भी आहत ना हो और आगे सनातन धर्म के लिए भी एक बड़ा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मामले बिल्कुल इस बहस में ये बात जरूर उभर के सामने आई है कि इस तरह के तंत्र की बेहद जरूरत है ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पंडित कामेश्वर उपाध्याय, स्वामी अमृतानंद सरस्वती और आचार्य विपिन जोशी, आप सबका धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। शास्त्रार्थ में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जी संगम। और अयोग्य की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं अजीत। हिंदू मंदिरों में साई पूजा पर सवाल खड़े करके शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने एक बार फिर हिंदू सनातन परंपराओं पर बहस तेज कर दी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शंकराचार्य की आपत्ति बेहद सशक्त है और इनका तर्क संगत जवाब भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल उन वैदिक परंपराओं का है जो आदिकाल से हिंदू समाज का आधार रही है, जहां कभी भी किसी साधु संत की पूजा करने को गलत नहीं कहा गया, लेकिन उसके लिए सनातन धर्म की गरिमा को ताक पर रखना कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन शायद साई भक्त इन तर्कों को नजरअंदाज करने का मन बना चुके हैं। क्यों वो शंकराचार्य की आपत्तियों पर मौन है लेकिन उनके बयान पर बेहद मुखर? इन तमाम पहलुओं पर हमारी खास पेशकश शास्त्रार्थ। असर और अयोग्य की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। धर्मगुरु शंकराचार्य की कुछ आपत्तियों के बाद साई समर्थकों ने जिस तरह से टकराव का रवैया अपनाया है वो कई सवालों को जन्म देता है। शंकराचार्य ने कुछ सवाल उठाए थे, कोई भी सभ्य समाज उनका उत्तर चाहेगा, जवाब चाहेगा, ना कि इस पर बवाल। ये बात तब ज्यादा अहम हो जाती है कि किसी भी तरह की असहमति के लिए भारतीय आदि संस्कृति में शास्त्रार्थ की एक लंबी परंपरा रही है कि अगर वो साई भक्त है तो साई भक्ति से ही संतुष्ट क्यों नहीं रहते। सवाल यह है
कि हमको बिना साईं के भी काम हमारा चल जाता है, वो साईं की भक्ति से संतुष्ट नहीं है। हिंदू संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद ने साईं बाबा पर कई सवाल खड़े किए, जिसका जवाब अब तक साईं भक्त नहीं दे पाए, बल्कि वो देश भर में शंकराचार्य के पुतले फूंकने और केस करने में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि साईं के भक्त अपनी भक्ति की आड़ में सनातन धर्म को हानि क्यों पहुंचा रहे हैं। साईं भक्तों पर हिंदू धर्म की परंपरा को विकृत करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कई गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। सनातन धर्म की परंपरा की माने तो मंदिरों में भगवान, अवतार और देवताओं की मूर्ति स्थापना की ही मान्य है। इसके अलावा सभी एक तरह से पाखंड ही है। मंदिर में विग्रह स्थापना और ईष्ट देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा इन सब का एक विधान है, पर साईं की पूजा करने वाले और उसके मंदिर बनाने वालों ने सभी मान्यताओं और परंपराओं को ताक पर रखकर सनातन धर्म को बड़ी हानि पहुंचाई है। साधु रहे साईं की मूर्तियां क्यों लगाई जा रही हैं? हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां छोटी होती जा रही हैं और साईं की मूर्ति बड़ी होती जा रही है। हिंदू मंदिरों में जानबूझकर जो साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की जा रही है वो कितना जायज है? क्या साईं बाबा की तुलना रामकृष्ण से करना सनातन धर्म का अपमान नहीं है? और तो और, साईं को भगवान बनाने के लिए हिंदुओं के अवतारों का ही सहारा क्यों लिया जा रहा है? साईं भक्त अपना मंदिर बनाए, उसकी पूजा करें, ये उनका अधिकार है। पर पूर्व में मान्य मंदिरों में जबरन या प्रभाव से घुसपैठ करना सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ है और इसका विरोध करना गलत नहीं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। साईं भक्त राम के नाम के आगे भी साईं लगाते हैं। भगवान राम अकेले कल्याण करने में समर्थ हैं, तो साईं नाम की जरूरत क्यों है? आखिर क्यों वेद मंत्रों में साईं को स्थापित किए जाने के लिए हेर फेर किया जा रहा है? साईं के नाम पर हिंदू धर्म को भ्रमित और विकृत क्यों किया जा रहा है? साईं बाबा को शिव और विष्णु की तरह हिंदू देवताओं के रूप में चित्रित किया जाना क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? इससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक बड़ी बहस हो भी चुकी है इससे पहले और काफी लोग इस पर कुछ कह भी चुके हैं। हम अगर दूसरे नजरिए से इसे देखने की कोशिश करें, शास्त्रार्थ क्या है और अभी क्या इस रूप में वो चल रहा है जिस रूप में बहुत पहले पुरानी परंपराओं में था। जिसको प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं जाना जा सके जी, और उसको जानना जीवन में अनिवार्य हो, तब शास्त्र ही उस विधान को बतलाता है कि आप इस यात्रा में अदृश्य तत्व को कैसे जान सकते हैं। प्रत्यक्षेण अनुमित्याच यत्तु तत्त्वम् वेद्यते, वो सब कुछ वेद के द्वारा और शास्त्र के अर्थ के द्वारा जाना जाता है, इसे शास्त्रार्थ कहते हैं जी। मंथन करके विचार नवनीत को निकाल करके जो सर्वजन ग्राह्य हो और सर्व कल्याणकारी तत्व हो उसको समाज के सामने सभ्यजन लाते हैं, इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं जी। और मनुस्मृति में लिखा है कि जहां तीन शास्त्र के ज्ञाता व्यक्ति उपस्थित हो जाएं वो समाज कहलाता है या सभा कहलाती है। तो कम से कम वेद तत्व को जानने वाले भारतीय सनातन परंपरा में ऐसे तीन महान पुरुष होने चाहिए जिनका ज्ञान निर्विवाद हो, और उनके सामने उनको पंच के रूप में स्थापित करके और अपनी अपनी बात कही जाए, अपना अपना पक्ष रखा जाए, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। इसमें विवाद नहीं होता है, इसमें तर्क की भावनाएं आहत हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं, सवाल और भी कई हैं। साईं को पर ब्रह्मा लिखने का अधिकार साईं भक्तों को किसने दिया? हिंदू मंदिरों में साईं पूजा का बेबाकी से विरोध करने वाले द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद कहते हैं कि उन्हें साईं भक्तों की पूजा पर ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐसा करने वालों को हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म के प्रतीक ओम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि वो शंकराचार्य इसलिए हैं कि लोगों को धर्म की सही जानकारी दे सकें। उन्होंने अपना काम कर दिया, अब जनता तय करे कि उसे क्या करना है।
लेकिन आस्था को कटघरे में खड़ा करने वाले साईं भक्तों को इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए खास मेहमान हैं वाराणसी से पंडित कामेश्वर उपाध्याय, महासचिव हैं अखिल भारतीय विद्वत परिषद के, और भोपाल से हमारे साथ हैं स्वामी अमृतानंद सरस्वती, शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य हैं, और देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य विपिन जोशी, धर्माचार्य। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कामेश्वर जी, सबसे पहले ये बताइए कि शास्त्रार्थ जिसकी बात अभी उठी है, ये है क्या और आज के दौर में क्या ये उस तरीके से चल रहा है? क्योंकि हम बहस में आगे पढ़ेंगे फिर साईं समर्थक और जो शंकराचार्य ने कहा, इन सब के बीच क्या रास्ता निकलता है, इन सब पर